दोस्तों आईपीएल 2023 के पहले ही मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ खेलते हुए केन विलियमसन के साथ लाइव मैच में हुआ बड़ा हादसा, और इस हादसे को देखकर हार्दिक पांड्या से लेकर राशिद खान के भी रोंगटे खड़े हो गए। आखिरकार गाइस आप भी जानना चाहते हैं क्या है पूरी खबर, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सीएसके और गुजरात टाइटंस के बीच में खेला जा रहा है, जिसमें गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर बॉलिंग करने का फैसला किया, जबकि सीएसके की टीम 116 रन के स्कोर तक पहुंच चुकी थी 3 विकेट खोने के बाद। उसके बाद दोस्तों बड़ा मामला सामने आया, जबकि सीएसके की ओर से बैटिंग कर रहे थे ऋतुराज गायकवाड़, तो वहीं गुजरात टाइटंस की ओर से बॉलिंग करा रहे थे जोश लिटिल। जैसे ही जोश लिटन ने 12वें ओवर की 5वीं गेंद फेंकी तो ऋतुराज गायकवाड़ ने एक गगनचुम्बी छक्का लगाने की कोशिश की, और उस छक्के को लपकने के चक्कर में केन विलियमसन के घुटने में चोट आ गई। उसके बाद दोस्तों केन विलियमसन वहीं की वहीं डरे रह गए, और केन विलियमसन से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था उस जगह से। उसके बाद दोस्तों उनके लिए स्ट्रेचर मंगाया गया, और स्ट्रेचर के द्वारा स्टेडियम से केन विलियमसन को बाहर ले जाया गया। उसके बाद केन विलियमसन को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, मगर दोस्तों इस समय केन विलियमसन की हालत एकदम सही है।